नमस्कार, मैं गोविंद पारिक। तारीख है 11 अगस्त, वार रविवार। देखते हैं आज के समाचार। नमस्कार, मैं दिशा। दांडेली के कर्नाटका संघ भवन में आज हृदय रोग निरीक्षण शिविर में कई लोगों ने निरीक्षण कराकर इस शिविर का लाभ लिया। इस वक्त मेरे साथ वो महानुभाव है जिन्होंने पिछले बार इस शिविर में हिस्सा लिया था, इस शिविर का लाभ लिया था। उसके बाद में उन्होंने विहान में जाकर अपना चेकअप कराया। यहाँ पर चेकअप हुआ था, विहान में जाकर इन्होंने उसकी क्या बोलते इलाज कराया। तो आपको कैसा लगा और उधर आपको क्या फायदा हुआ? गए साल में यही अगस्त महीने में इन लोग आए था, इन लोग इलाज क्लब वाला से आया था। यही शिविर में मैं आके भाग होके मैं पूरा चेकिंग कर लिया। अच्छे से सब लोग कोऑपरेट करके हम लोगों को हेल्थ चेकअप कर दिया। हम लोग कुछ चले गए, कुछ प्रॉब्लम नहीं था बोल के बोल रहे था। बाद में हम लोग अचानक यही गए साल में नवम्बर 23 को मेरे को थोड़ा हार्ट का समस्या हो गया। हार्ट समस्या होने के बाद डॉक्टर भट्ट जी के पास गए थे। कहने के बाद उन लोग वीएन अस्पताल को जाने के लिए बोला। अच्छा, हम लोग जाके वहाँ जाके गए तो उन लोग ट्रीटमेंट किया दिया। करने के बाद उन लोग एक स्टंट डालने के लिए स्टंट डालना बोल के बोला। हम लोग हूँ बोल दिया, लेकिन बीपी कार्ड है क्या पूछा। हाँ, बीपी कार्ड भी है बोलो। बीपी कार्ड में तो हम लोग फ्री में कर दिएगा बोल के उन लोग बोल दिया था। अच्छा, बीपीएल कार्ड। अच्छा, तो सब लोगों को बीपीएल कार्ड रहे तो विवेन अस्पताल में फ्री में होता है और सबसे अच्छे भी है। सब लोग डॉक्टर्स लोग सिस्टर्स लोग सब लोग कोऑपरेट करते हैं और प्रीमियम होता है सब हम लोगों को हीरे लोग ला। ये बहुत डॉक्टर जीवी भट्ट साहब भी आ गए। सर जी नमस्ते। ये पिछली बार आपके शिविर में इन्होंने हिस्सा लिया था और विहान हॉस्पिटल में इनको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला, वही बता रहे थे। हम तो चाहते हैं कि ऐसे शिविरों का आयोजन होता रहे और एक आम लोगों को, गरीब लोगों को इसका फायदा मिलता रहे। धन्यवाद। 4 अगस्त को शिवमोगा में हुए कराटे प्रतियोगिता में दांडेली के कई छात्रों ने हिस्सा लिया। बहुत ही खुशी की बात है कि बहुत सारे पुरस्कार हमारे इन होनहार छात्रों ने प्राप्त किया। आइए देखिए। नमस्कार, इस वक्त मैं एक्वारो कॉम्बैट बुडोकोन अकेडमी दांडेली में हूं। 4 अगस्त के दिन दांडेली के एक कराटे के छात्र जो आपको यहां दिख रहे हैं, इन्होंने कोयंबत्तूर में जो प्रतियोगिता हुई थी, कराटे प्रतियोगिता, उसमें हिस्सा लिया था। और हम दांडेली निवासियों के लिए एक बहुत खुशखबरी और एक बहुत अच्छी बात है कि इतने छात्रों ने इतने सारे पुरस्कार दांडेली में लेके आए। आप सभी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। विशेष बात
चैंपियनशिप दांडेली को ही आई है। इसके लिए आयोजक, उस प्रतियोगिता के आयोजक स्वयं यहां आ रहे हैं और वे खुद अपने हाथों से इन हमारे होनहार बच्चों को पुरस्कार देंगे। दांडेली के हर एक निवासी को मैं इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे दांडेली के ये कराटे के छात्र दूर में दांडेली का झंडा गाड़ के आए। को जो शिवमोगा में कराटे प्रतियोगिता हुई थी उसके आयोजक स्वयं यहां पर है, आइए इनसे पहले जानते हैं। आपका शुभ नाम सर? सर नमस्ते। सर मेरा नाम डॉक्टर शिहान यजर मुहिब है, फ्रॉम बैंगलोर। बैंगलोर से आया हूँ, अच्छी बात है। तो मैं इस आपके दांडेली को आने की वजह यह है कि तो मेरा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों टूर्नामेंट था, दोनों का भी मैच चल रहा था 4 अगस्त इसी महीने में प्रतियोगिता चल रही थी। तो इसमें क्या ऑनलाइन का मुझे 450 बच्चों का बैंगलोर जैसा कोला शिवमोगा उड़ीपी ऐसे ऐसे बहुत लोगों से आए थे, बट स्पेशली मैं इस आने की वजह क्या बोलते इधर के सारे बच्चे रियली सारे बच्चे में भी पास हो गए। तो हम सारे बच्चे में हुनर है, इतना हुनर है। तो मैं देखना चाहता था क्लास, ये छोटे गांव में इतना बढ़िया, मैं तो बहुत फिरा हूँ, मेरा 30 कंट्री फिरा हुआ हूँ और मैं 40 ईयर से कराटे मार्शल आर्ट्स में हूँ, बट ये पहली बात है ऑनलाइन में सारे के सारे बच्चे खूबी है। तो मैं हमारे छोटे भाई का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँ, बच्चों को मैं देखना चाहता था बच्चों में कैसे ही बच्चे बोल के रियली। तो मुझे भी थोड़ा दांडेली घूमना भी था, वैसे मैंने विजिट किया तो रियल इज ग्रेट। तो हमारे दांडेली के बच्चों ने और सागर सर की मेहनत ने ये साबित कर दिया कि दांडेली के बच्चे इज द बेस्ट। यस यस, एक बार ताली होनी चाहिए। सागर सर, सागर सर का मैं विशेष धन्यवाद देता हूं कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चों को आज ये कराटे क्लास में एक हुनर सिखा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आगे चल के ये हमारे बच्चे देश में ओलंपिक का मेडल लेके आएंगे। सर आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद कि हमारे दांडेली के बच्चों को आप एक एक मुकाम पर एक सफलता की सीढ़ी पर चढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। रियली दिल से दांडेली वासियों की तरफ से हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। ये जरूरी 100% ओलंपिक में बच्चे जाएंगे जाएंगे, क्योंकि ये इनका उम्र का बहुत कम है, सर का उम्र कम है, इनकी मेहनत बहुत कर सकते हैं। अभी भी बच्चों को है, बच्चों में भी बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, तो अच्छा प्रैक्टिस है ओलंपिक तक जाने का, ये इधर से जाने का इरादा है, मुझे अच्छा लगता है। उम्मीद है कि कोई ना कोई जाएगा और बुलंदियों को छुएगा।
नमस्कार, मैं कांचना कांबड़े एपीजे अब्दुल कलाम रेसिडेंशियल स्कूल में आज कई छात्राओं के अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर छात्राओं के हो रही दिक्कत पर चर्चा की। जानकारी के अनुसार प्रधान अध्यापक विश्वनाथ हुलसदार जी के ट्रांसफर होने के बाद यहां अभी तक नए प्रधान अध्यापक श्री महाबलेश्वर नाइक जी ने चार्ज नहीं लेने और वार्डन के अनुपस्थिति रहने की वजह से ये दिक्कतें आ रही है। चर्चा में नगर के तहसीलदार श्री शैलेंद्र परमानंद जी ने बहुत जल्द इस समस्या को दूर करने का भरोसा दिया। ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದಾವೆ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರು? ಏನು ಆಕ್ಷನ್? ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಇನ್ನು ಸಫರ ಮಕ್ಕಳು ಸಫರ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಸಫರ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮೇಲೆ ಹತ್ರ ತಿಳಿಸಿದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಮೇಲಿನೊಳಗೆ ಟೂ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸರ್ ಏನಿದಲ್ಲ ಅವರು ನಾನು ಈ 30ನೇ ತಾರೀಕು ರಜೆ ನಾವು ರಜೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಅಂತ ಅವ್ರೇನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಜೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರಿಸೀಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿಸೀಟ್ ಕಾಪಿ ಅವ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಳೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರ ಜಿಲ್ಲಾದವರು ಅವ್ರ ಕಾಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಅವ್ರವ್ರದ್ದು ವಿಷಯದೊಳಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನ್ಗೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ನಡಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಳಾಗ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಮಗೆ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಂತ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಂತ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕಂತ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಗಿ ಹುಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ, ನಿಲಯ ಪಾಲಕರು ಅಥವಾ ವಾರ್ಡನ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿಲಯ ಪಾಲಕರು ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು, ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ತಿಂದು ಹೇಳೋದು, ತಿಳಿದಿದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಇದನ್ನ ಹುಡುಕಿದ್ದವಳು ಯಾರು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನ? ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು? ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಯಾರು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೇಳಿ? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಅಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಕುಟುಂಬಿಗಳು, ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಾರ್ಡನ್ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಅವಸರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅವ್ರ ಊಟದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಲೆಟರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ವಾರ್ಡನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಇಲ್ಲ, ವಾರ್ಡನ್ ಇಲ್ಲ, ಸಮಸ್ಯೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಲೆಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಮೇಲಿನ ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಮೇಲಿನ ಏನು ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸೋದು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈಲಿ ಊಟ ಅಷ್ಟೇ ಟಿಫಿನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಯಾವ್ದು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸಿಗ್ದಿರೋ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ದಿನ ಇದಾವ ಅಲ್ರಿ? ಟಿಫಿನ್ ಆಗಿರೋ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ದಿನ ಇದಾವ ಅಂತ ಡೈಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಡೈಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಊಟ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾವಾಗಿಂದ बधाई और शुभकामनाओं की श्रृंखला में कल यश ओझा जी का जन्मदिन है, उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कल हमने जो आपसे सवाल पूछा था उसका सही जवाब है कुवेंपु दरा बेंद्रे
ಕೆ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ್, ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ವಿಕೆ ಗೋಕಾಕ್, ಯು ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ, ಗಿರೀಶ್ ಕರ್ನಾಡ್ ಔರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಂಬಾರ್. कईयों ने सही जवाब दिया. सही जवाब देने वाले हैं शीला विनायक, नागराज लोगवी, खादर दुरानी, नितिन कुमार हलसगी, लतीफा शेख, संतोष हुक्मानवर, सत्यम राजपूत, सरोज खटोड़, श्रीकांत गौड़ा, स्मिता नाइक, संजय जांबोटकर, ओमकार रेणके, संजीव महाले, श्रीकर गदात, काव्या बसवराज और शीतल महाले. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. आज का सवाल, दांडेली में हॉर्नबिल पंछी काफी तादाद में देखने को मिलते हैं. आपको यह बताना है हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है. कमेंट्स में जरूर बताइएगा. अंत तक हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद. कल फिर मुलाकात होगी हमारे इसी चैनल पारिक प्रेजेंटेशन पर.